अस्सलाम वालेकुम जी, यू वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, तबीयत की अपडेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, और वो जो दुनिया गोल गोल घूम रही थी वो वाला सीन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। कल रात में स्लाइटली से चक्कर थे, बट ये कि अब काफ़ी सेट है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। आपने लाजमी करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। अच्छा, अभी मुहर्रम चल रहे हैं, तो मुहर्रम के अंदर जो है वो थोड़ा सा म्यूज़िक हम करेंगे व्लॉग्स में अवॉइड। अभी आज के दिन की अपडेट ये है कि जितने सारे पौधे थे इनको जो है अब माली को बुला के लेकर आना है, क्योंकि बारिशें अभी दोबारा शुरू होने वाली हैं। तो बारिश में अगर ये लग जाएंगे तो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएंगे मिट्टी के अंदर। तो बस माली को बुला के लेकर आते हैं। अम्मी कह रही हैं भाई दो पौधे गुलाब के भी ले आओ, तो गुलाब के पौधे भी लेते हैं। और एक चीज़ और है, ये वाले जो मिरर्स हैं हमारे, बेसिकली ये जो विंडो है, मिरर्स तो हैं, ये मिरर्स नहीं है, ये विंडो है। विंडोज़ के अंदर जाली का नेट नहीं लगा हुआ है, तो खिड़की वाले को बुला के लेकर आएंगे ताकि जो है वो जाली का नेट लगवाएं। और नेट से होगा ये कि भाई वेंटिलेशन होगी अच्छी, क्योंकि अभी सिर्फ ये यूज़ होता है, जाली का दरवाज़ा और ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा। सीधी बात है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत आ रहे हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें इसकी वेंटिलेशन का सेटअप सारा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे क्योंकि भाई थोड़े से हालात टाइट जा रहे हैं, बहरहाल अगर नहीं करेंगे तो बिल इसी तरह आता रहेगा। और इसको कम करने के लिए इसको बुला खिड़की वाले को बुलाते हैं, और जो भी एस्टिमेट है इसका काम करवाना है एक या दो दिन के अंदर। एक तो भाई मुझे इस बंदे ने बड़े दुख दिए हैं, बोला ऑयल डालना है बाइक के अंदर, तो आप निकाले स्टोर में से। क्यों निकाले हैं, बस ये एक जो है ना सीक्रेट राज है कि बस राज के पीछे ये थी। उस राज के पीछे जो है वो ये राज है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो बेसिकली बस ये है, अब हमें जाना है स्टोर के अंदर और निकालना है ऑयल। तो बहरहाल इस पेटी में से हमने ऑयल निकालना है, जाते हैं ऑयल निकालते हैं। ये इश्क का दरिया है और डूब के जाना है। तो जाओ तुम, सामान तो सारा निकाल दिया इसने जो है ना सुबह सुबह टटे। अब चक्कर आने शुरू जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? फिर आगे बोलते भाई क्या हो गया भाई, ये वो फुल बॉडी टेस्ट करा ले अपना, देखना ये कि इसमें ऑयल भी है। देखना नहीं नहीं भाई, इसमें ऑयल है बेसिकली। गाड़ी के सारे सामान मेरे इसी के अंदर होते हैं और ऑयल इसी के अंदर रखा हुआ है, तो निकालते हैं। ये देखो इसमें भाई ये ऑयल कहाँ रखा, ऑयल ये इस बोतल में लग रहा है भाई, ये लग रहा है यार सान, ये बड़ी बोतल पड़ी हुई है। इसे बोलते हैं बगल ने बच्चा शहर में डिंडोरा, हमने पूरी पेटी खोल ली, हालत गैर हो गई। और सामान कहाँ से मिला हमें, ये यहाँ से आ रहा है सही है, बस इसी में डाल दिया था ऑयल। पता वता होता नहीं है, कंप्यूटर साइंटिस्ट ऑटोमेटिव काम करेंगे हम, एकदम ऑटोमेटिव। ये ऑटोमेटिव काम किया, इनको पता ही नहीं कि ऑयल कौन सी बोतल में कौन सी में नहीं है, मतलब बस क्या बताएं। इनको टेंशन ज्यादा इसलिए है कि भाई को चक्कर आ गए तो ये काम सारे कौन करेगा। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है कोई, सच बता रहा हूँ भाई। लाइक कमेंट शेयर ठोक दे, सब्सक्राइब कर ले भाई, आप कर ले बस, अब बहुत हो गई है, मतलब इतने सारे व्यूअर तो यार आप लोग, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बस भाई, सही है व्लॉग्स इंजॉय करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप ही के लिए बना रहे हम, बट सब्सक्राइब लाजमी करो। वेल, मौसम बड़ा टाइट हो रहा है और क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन आ गई है। सान भाई फुल देखें जाने की तैयारी तक यहाँ पहुँच चुके हैं, जबकि पीछे सारा स्टोर खुला हुआ, सामान कौन रखवाएगा बेटा? वो भाई जो भी मेरे दोस्त बारबेक्यू में आए थे और बॉल खरीद के लाए थे, क्या वो टेप भी खरीद के लाए थे? अगर लाए थे तो भाई बता दें, और ये भी बता दें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। ऐसा फैलाया है, इसको समेटते हैं, और ये एक मुश्किल काम है, तो इसको समेटते हैं और फिर चलते हैं। चलो भाई खत्म हो गया काम, उठते हैं। हड़ भाई 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 सही से रखा है, अब नहीं गिर रहा, चौकस काम किया है एकदम भाई। ये वाला सीन तो सारा हो गया ऑफ, गर्मी शदीद है, अब बहुत हो गया है, बादल तो फुल एकदम वीआईपी ऑटो बच्चे हो रहा है, बादल अच्छे हो रहे हैं, गर्मी शदीद हो रही है,
बहरहाल माही को ढूंढते हैं, अगर यही सोसाइटी में से मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता तो बाहर से लाते हैं और पौधे लगवाते हैं। भाई कहानी ये कि सोसाइटी में हमने काफ़ी जगह ढूंढा माली, और हुआ ये कि हमारा माली हमारी सोसाइटी के बाहर काम कर रहा था, तो हसन गया है वहाँ पर उससे बात करने के लिए। और यहाँ हो रहा है गाड़ी का ऑयल चेंज हुए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, तो बस गाड़ी का ऑयल चेंज कराते हैं, हसन आता है फिर जाता हम खिड़की वाले के पास बात करने। सही, गुलाब के पौधे लेने आ गए, अम्मी ने बोला था गुलाब के पौधे लाजमी लेकर आना, दो पौधे, तो देखते हैं क्या है। एक तो ये मुझे पिंक वाला समझ में आ रहा है, दूसरा ये मुझे रेड वाला समझ में आ रहा है, जो ये रेड वाले लगे हुए ना। हम बात कर रहा है, हमने बोला भाई हम देख लेते हैं आज, ये वाला समझ में आ रहा है मुझे, कीड़ा है, कांटा लग गया, बिल्कुल ऐसे ही लगा है, फील हुआ जैसे वो थी मैंने शुगर टेस्ट करी थी। मैं ये बेसिकली देख रहा था कि पत्तों में ना, इसके पत्तों में ना कीड़े लगे हैं, तो ये नहीं लेंगे भाई हम। 480 रुपये, ये भी इंग्लिश में आएगा सब, ये पूरा पत्ता इंग्लिश खरीद देंगे, फूल रुक जाए, देखो वो चंपा पड़ी हुई है पूरी की पूरी, फूलों का सीजन है अभी। और पुष्पा कहाँ है? पुष्पा, हाँ पुष्पा, चंपा है तो पुष्पा भी होगी। कुछ भी भाई, कहानी ये है कि ये जो गमले दे रहा है वो दे रहा है तकरीबन कोई 450 रुपये का एक गमला दे रहा है इंग्लिश रोज फ्लावर का, और देसी वाले का तकरीबन ऐसे कोई 300-350 रुपये का दे रहा है, तो मुझे लग रहा है बीसी डालनी पड़ेगी हमें दो गमले लेने के लिए। चलो भाई मिरर वाले की दुकान पर आ गए, अब इसका एस्टिमेट लेते हैं। कहानी ये है कि चाचा ने दिए हैं मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार रुपये का रेट, ज़्यादा तकरीबन 20 हज़ार रुपये की बोल रहे हैं, कि सिर्फ जाली वाले पल्ले लगने हैं उसके अंदर, तो वो ये कह रहे हैं भाई तकरीबन के 22 हज़ार कुछ का उन्होंने एस्टिमेट बना दिया। ये तो कह रहे एक रस्ते की दुकान थी, और अब मेरे ख्याल से जो है ना वो हमें जाना चाहिए यूपी की मार्केट, यूपी की मार्केट में ना रेट काफ़ी सही होते हैं, तो यूपी की मार्केट चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं वहाँ क्या रेट चल रहा है, अगर हसन एग्री हो गया तो जाएंगे यूपी, वरना भाई घर जाएंगे वापस। अच्छा भाई कहानी है कि हसन भाई तैयार हो गए यूपी जाने के लिए, तो हम बस अब यूपी जा रहे हैं, यूपी की मार्केट से जाके रेट लेते हैं भाई खिड़की का क्या रेट चल रहा है, क्योंकि वो 20,500 रुपये बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई 14-15 हज़ार रुपये में ये खिड़कियाँ लग जानी चाहिए, तो यूपी की मार्केट चलते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा भाई मार्केट की कुछ दुकानें तो बंद हैं, बहरहाल एक शॉप से मैंने काम करवाया था तो वो शॉप मैं ढूंढ रहा हूँ, आने वाले घर की जो विंडोज बनवाई थी ना सारी, तो वो बंदा काफ़ी ईमानदार और रिलायबल था, तो उसको देखते हैं, अगर वो मिल जाता है तो सही है, नहीं मिलता तो कोई और देखेंगे। हम रस्ते में तो फ़ोन आ गया माली बक्का के, भाई हम घर पहुँच चुके हैं, एग्जैक्ट 4 बजे का टाइम दिया था, 4 बजे पहुँच गए हम खिड़की वाले के पास चले गए थे, और खिड़की वाला ना साइजिंग ले रहा है, तो ये सारे पौधे जो हैं अब इनकी सेटिंग बन रही है, कुछ पौधे यहाँ सामने लगाने का सीन चल रहा है, तो एकदम अफरा तफरी वाला माहौल हो गया है। खिड़की वाला जो है वो एस्टिमेट लेके चला गया, हसन छोड़ने गया उसको, खड़े में लगा दो, खड़े में लगा भाई, ये सारी सेटिंग यहाँ पर हो गई है, सेटिंग हमने ये बनाई है कि एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, और एक पौधा ये कज्जी का पौधा ये यहाँ लगा है, और ये जो बेसिकली डमडम है उसको लगाएंगे ऐसे यहाँ पर, ये पूरी बॉर्डर चलाएंगे वो वहाँ तक, वो एक अच्छा खूबसूरत लुक आ जाएगा, और बाकी काम फुल चल रहा है, VIP फुल हड़ाउड़ी वाला माहौल हुआ है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा कोई सीन हो जाएगा, बट हुआ हुआ है, तो काम चल रहा है भाई। ये सोसाइटी में छपाटर लड़के नहीं मिलते, छपाटर स्कूटी वाले बच्चे मिलेंगे आपको, ये देखें आप, ये देखें, बक्के साथ साथ दिखाएंगे ना भाई, सारी अगर एक साथ दिखा दोगे तो फिर कैसे मजा आएगा, आएगा मजा नहीं आएगा ना, तो अगला आइटम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तो बच्चे भी अच्छा है यार, ये वेदर अपडेट अच्छी देता है, ये इसको पता होता है बादल आ रहे हैं, बारिश होने वाली है, तो भाई हालत हो रही है बहुत टाइट, सर में हो रहा है दर्द, तबीयत थोड़ी कदरे बेहतर है, और आज मैंने तवक्कात से ज़्यादा काम कर लिया, और हसन भाई ने भी तवक्कात से ज़्यादा सपोर्ट कर दिया भाई, आज फुल एकदम बाइक पे गए और जाली वाली वाली के पास इन्हें पूरी बात बात करी, उससे इन्हें जितने पैसे कम कराए, ओए ओए पूरा एक जिंगर पड़ गया, ये देखा मेहनत, ओए 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 भाई करवा लें यार, मतलब ये इतनी तो चीज़ें उससे बोल ले करवा लें यार, मैंने आपको पहले ही बताया था, चक्कर की फिगर इनको इसीलिए दी, ये सारे काम करेगा कौन,
चलो भाई लगवा लेता हूँ। अब अच्छा इनको ज्यादा बोल रहा है, बोलते हैं भाई हमारा काम तो ऑटोमेटिव है, ऑटोमेटिव ऐसा हो खुद ब खुद ही लग जाएगा एकदम दस्ती। खैर करवा था मैं, छोड़ दो भाई। ये सीन ये है कि सारे पौधे लग गए, कुछ हमने चेंज करा लिए, कुछ हमने निकाल लिए, एक एडिशन हमारे यहाँ बड़े पौधे का हो गया। ये माशाल्लाह बारिश के बाद काफ़ी अच्छा हो गया, यहाँ से कुछ पौधे हमने निकाल लिए। और पपीते का पौधा, ओह अम्मी बोली थी काला कपड़ा बांधना, नज़र ना लग जाए। लल्ले को नज़र लग गई यहाँ पर, उसकी फिक्र नहीं है, मगर पपीते के पौधे को नज़र नहीं लगनी चाहिए। खैर तो ये सारी सेटिंग अच्छी हो गई, यहाँ से हमने कुछ पौधे निकाले और उसको हमने जो है वो यहाँ गमलों में ट्रांसफ़र कर लिए। भाई हम अपने ससुराल से पौधे लेकर आए थे तो हमें भी चाहिए कि हम उनको भी कुछ रिटर्न में कुछ तो दें रिटर्न में, तो वो रिटर्न में हम ये गमले ले जाएंगे और उसमें कुछ पौधे लगा दिए वो ले जाएंगे। अच्छा ये पौधे बेसिकली आपको नज़र आ रहा होगा, ये हरे हरे पत्ते हैं, जो हरे हरे गमले हैं ना, मतलब हरे हरे पत्ते जो हैं ये कोई आम हरे पत्ते नहीं है। बेसिकली हमारे एक बहुत पुराने मोहल्ले जहाँ हम पहले रहते थे, उससे भी पहले मोहल्ले में जब हम बहुत छोटे छोटे इतने छोटे हुआ करते थे, तो वहाँ पर एक हमारी अम्मी की महल्ले की मतलब फ्रेंड थी, उन्हीं ने गिफ्ट लाके दिया था ये शारजा से अम्मी को पौधों का। तो उनके हस्बैंड बेसिकली शारजा में जॉब कर रहे थे, राइट नाउ वो लोग इस वक्त अभी वहीं पर ही हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि ये सीजनल पौधा होता है, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। अभी जैसे सर्दी आएंगी ना, ये गमला बिल्कुल खाली हो जाएगा और समझ लें आप इसमें मिट्टी होगी, कोई फूल कोई पौधा नहीं होगा। और बस आप ये एक भी अगर लगा लेंगे ना, इससे ये बहुत सारे हो जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है इसमें ना, बीच बीच में तो फूल खिलते हैं रेड कलर के, काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे फूल होते हैं। जब वो खिलेंगे तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। पाम का दरख्त है ये, पहले ये लगा लिया। ये अंजीर का पौधा है, ये जो है अच्छा था, कोई फूल का ही पौधा है। बहरहाल ये शायद मेरा रात की रानी है, भाई दिन का राजा है। बहरहाल ये जो भी है, जो भी राजा है महाराजा, ये हमने यहाँ लगा लिया। ये चंपा है, पुष्पा इसकी गायब है। और एक पौधा ये लगा लिया यहाँ पर, ये थोड़ा डाउन हो रहा है बेचारा। और ये यहाँ लगा लिया, ये पपीते का तो पहले से लगा हुआ था, एक पपीते का और एडिशन हो गया। और ये हमने लगा लिए यहाँ पर चीप। और दो तीन पौधे हमने आम के भी लगाए भाई। आज सुबह खाला आई थी हमारी, वो आम के पौधे लेकर आई थी, कलमी आम है एकदम कलमी। एक ये लगा हुआ है पौधा, वो रहा एक पौधा, ये रहा आम का। बहरहाल भाई ये सूरत हाल है। सामने का सीन ये है भाई कि ये लगाया है डमडम का पौधा, एक ये पौधा लगाया है, एक ये नीम का दरख्त लगाया है, एक ये पौधा है और एक वो खज्जी का पौधा है। प्लान ये हमारा कि हम यहाँ से लेके पूरी ये यहाँ तक इसमें लगाएंगे हम डमडम, और जब डमडम लगेगी तो ये काफ़ी अच्छा व्यू बन जाएगा और घर का फ्रंट लुक जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगा। मगर माली ने ये बोला भाई 50-60 डमडम के पौधे लगाओगे तो फिर ये जो है ना सारा सही बनेगा। तो खैर भाई भूख लग रही है बहुत शदीद, शाम का टाइम हो रहा है, खाना खाते हैं, व्लॉग एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं और बस फिर मिलते हैं आपसे। Thousands of tears later. भैया सो सुला कर तो हम उड़ गए, अरसान भाई आराम कर रहे हैं फुल VIP। और जैसे ही इनको मम्मी कोई काम बोलेंगी ना, ये बोलेंगे मुझे पढ़ना है, ये देखें मोबाइल वोबाइल चला रहे हैं एकदम मस्त मूवी देख रहे हैं। और जैसे ही मम्मी इनको बोलेंगी ना कि यार वो अरसान ये काम है, अरे मुझे तो पढ़ना है ये वो फलाना ढिंगाना, और थोड़ी देर पूछेंगे भाई क्या तबीयत सही हो गई आपकी, अच्छा तो ये काम आप कर लिया करना है। मैंने बेचारे को बहुत बोला है सही है इस पूरे, उसके ना लाइट जला लेना भाई, लाइट अच्छी नहीं आ रही। अब देखें अब कैसा बंदा आ रहा, अभी भी वैसे ही आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो खैर भाई मैंने बेचारे को बहुत बोला, मेरे लिए ख्याल करता है, एहसास जागता है इसका, थोड़ी देर से जागता है, जाग जाता है, मतलब सोया नहीं है अभी। वो होता है ना सो जाता है, उसको हिला हिला के बंदे को उठाना पड़ता है, वाला सीन होता है। सामने कुछ कहना चाहेंगे आप? कहने लाइक छोड़ा है। हाँ भाई क्या खड़ी कर लो बाइक, बस पानी है कि हर जगह तो गमले रखे हुए हैं, यहाँ भी सामान है, बाइक यहाँ खड़ी होती है हमारी, बट ये कि बाइक अब जो है वो हम यहीं खड़ी करेंगे, और क्या खड़ी करेंगे, यहाँ खड़ी कर दो बस ख़त्म। अच्छा लग रहा है एकदम खुला खुला, थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो ग्रीनरी भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा भाई कहानी है कि गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर और पार्क करनी है इसको यहाँ पर, बाइक जाएगी अंदर, तो बस ये गाड़ी खड़ी करते हैं जगह पर अपनी और बाइक करो। ये लो अल्लाह खैर करे। आपने पूरे व्लॉग में आज देखा होगा, पूरे व्लॉग में नहीं, अभी आपने नोटिस की होगी ये बात, सेलिब्रिटी स्पॉटेड इन टी शर्ट। नहीं इससे पहले भी भाई, मैंने बोल बोल के बनवाई है, तो ये शीए बन रहे हैं ये, सही है फिर अच्छा सही बात है। हाँ ये बात तो सही कही है, ये इनकी मेहरबानी, कम से कम बनियान तो पहन ही लेते हैं।
ये इनको बड़ा एतराज हो रहे थे यार मैं टीए वीए बन रहा हूँ, मेरा रिश्ता रिश्ता लेके जाएंगे आप लोग कहीं तो मसले मसाइल होंगे, बनियान ने मेरी फुटेजेस कोलाज बनाएंगे ना बनियान का, मैं वायरल कर दूंगा इनका। तो इनको पेट में मरोड़ हो रही थी, बहरहाल खैर अभी एक गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अल्लाह रहम करे। ये ले भाई ये ले, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखो भाई मैं आपको ना एक टिप दूंगा बेहतरीन, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, बताओ जरा हैंड ब्रेक ही नहीं उतार है। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया भाई, हैंड ब्रेक तुम पहले उतार लो, पहले गियर लगाए फिर हैंड ब्रेक उतार। हाँ जाने दो शाबाश शाबाश। अरे चाचा कच्चे खिलाड़ी हो तुम बहुत, तुम्हें पहले ही बोला था कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, मगर आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। बस स्टीयरिंग सीधो सीधा करो। अरे अरे तेरी खैर हो गई। वाइपर वाइपर चला दी सारे, भागो 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 भागो। अब तुमने वाइपर वाइपर भी खोल लिए थे सारे। ये चल रहे वाइपर, ये चल रहे वाइपर। ये देखो बंद कैसे होगा, ऊपर करो। तुमने गाड़ी खड़ी कैसे करी है यहाँ पर, ये तुम तो ले आते दीवार के अंदर पीछे आ लोगी। गाड़ी तो इंश्योर्ड भी नहीं है मेरी, सर इंश्योरेंस तो मैं करवाता भी नहीं हूँ, मगर फिर भी बस 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 खाली रखो बेटा ले आओ। मतलब रात का टाइम, गाड़ी भी रिवर्स में लगानी है और भाई साहब बोल रहे थे मुझे चलानी, मैंने कहा लो चला लो। खम्बा खम्बा जाने दो। हाँ जाने दो, ले गया भाई ले गया बस। खम्बा 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 कोई बात नहीं, हमसे भी ऐसे ही होता था भाई, हमने शेराट पे सीखी थी और ऐसे ही सीखी थी, बहुत दफ़ा बंद करी थी। अबू ने दो राउंड लगवाए थे, आखिर मुझे ने बोला बेटा तुम गाड़ी पहले गियर में डालो, थोड़ी सी आगे लेके जाओ, फिर ब्रेक मारो, फिर थोड़ी सी आगे, बस पहले गियर की सेटिंग होती है, अगर वो आपको आ गई तो आपको गाड़ी चलाना आ गई। हाँ ले आओ करो 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 बस 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 करो, आने दो गमला मत उड़ा देना, रुक जाओ भाई, बस बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया आपने, शाबाश A1 टनाटन गोल्ड टोपी का लगन देंगे हम इंशाल्लाह आपको देंगे, सोचेंगे। ओ तेरी हाथों पे मेरे हाथ दबा देता ये भाई। अब बाद में उससे दो दिन तक पूछ रहा था भाई आपका हाथ कैसा। पुष्पा नाम है पुष्पा, और माली सर कहते क्या माली सर कहते कर रहे हैं ये चंपा है पुष्पा का पुष्पा क्या वो कहाँ पे डांग रही थी गाड़ी जरा, अम्मी को फौरन टेंशन होगा, अभी स्थान आएगा, वैसे तो पसीना आ रहा है मगर पसीना नहीं आता, अम्मी माथा चुम लेती। गाड़ी चलाता रहता है भाई और बस ये चलाता है, कुछ टाइम चलाता है फिर ही दोबारा छोड़ देता है। टाइम भाई तकरीबन 1:15 हो रहा है, व्लॉग अपलोड हो चुका है, उसकी डिटेल्स वगैरह मुझे डालनी है, वो मैं डालता हूँ, और दो दिन के व्लॉग मुझे एडिट करने हैं, आज का और एक कल का। इन लोग के आने से पहले पहले बैलेंस जो है वो सेट करना है मुझे। तो खैर कट टू द शॉर्ट पॉइंट, ये भाई के आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर। अच्छा एक जरूरी चीज ये भाई, ये बहुत सारा सामान भी आया हुआ, ये पार्सल मंगवाया है, ये है और भी कुछ चीजें हैं, तो बड़ी मुश्किलों से हमने अम्मी को बोला कि भाई मतलब रोक खवातीन को रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो अब बेगम आएंगी तो फिर सब चीजें बोलेंगे। इसमें कुछ उसके गिफ्ट भी है, बर्थडे आने वाली है, तो गिफ्ट हमने पहले ही ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे, कुछ और भी सामान है, तो वो सारा खोलेंगे आपको दिखाएंगे क्या क्या मंगवाया है। तो बस भैया ब्लॉग के आज को यही एंड करते हैं और कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई दास्तान एक नई कहानी के साथ। ब्लॉग गया भाई गया एकदम यूं, ठोको भाई शेयर ठोको, लाइक करो सब्सक्राइब करो और आगे पीछे सब जगह जंगल की आग की तरह फैला दो इसको। खैर तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई दास्तान एक नई कहानी के साथ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।